Assalamu alaikum guys, Asad Yusuf, SANchat. Welcome to one of the another video from the series of Study Life in Germany. And today, luckily, I have my friends Kiel, whose name is Vikash और तलहा सर विकास प्रत्यानी और तलहा बिंदु सर इनके बारे में शॉर्ट से इंट्रोडक्शन में देता हूँ. हमने अपनी 2.5 साल जिंदगी मास्टर में 1 साल गुजार दी है और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो मास्टर्स में होते थे वो इकट्ठे ही होते थे. अब हम मिलने तकरीबन 1 साल के बाद और माशाल्लाह से सब अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सेटल और यू नो बिजी हो चुके हैं. तो आज बहुत ही मुश्किल से टाइम निकला है और अभी रात के 2 बज रहे हैं तो हमने सोचा कि ये वीडियो शूट कर दी जाए. तो मैं एक्सप्रेशन ना लुक हाउ मच वी केयर फॉर यू. सो हम वीडियो को मजीद लंबा नहीं करते, इनके बारे में इनका एक्सपीरियंस लेते हैं और जितनी इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं अपने फायदे के लिए आज टाइम में इनसे लेते हैं. सो विकास जी सर और तला भाई, जैसे कि वीडियोस हैं हमारी, ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली है जॉब के हवाले से, मास्टर्स के बाद जो हमारी जॉब लगती है. तो विकास तू यार मुझे ये बता कि आफ्टर मास्टर्स जॉब मिलना कितना आसान या कितना मुश्किल है? ये जो बंदा स्टडी के लिए यहाँ पे आता है, स्टडीज के बाद अपना कैरियर जर्मनी में देख सकता है या सब ये इमेजिनरी और ब्लरी है? ऑफकोर्स जर्मनी बहुत बड़ी मार्केट है, लोग आते हैं जॉब के मास्टर्स के बाद ना इजीली जॉब मिल जाती है, पर लोग फोकस नहीं करते क्योंकि जितना मुझे पता है जर्मन्स लाइक पाकिस्तान में जस्ट दे देते हैं फिर उसके बाद फायर कर देते हैं. यहाँ पे सोच समझ के बंदा लेते हैं तो इनका प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, मतलब जॉब लग जाती है. बहुत सारे लोग हैं 80-90% लोगों की जॉब लग जाती है, लेकिन थोड़ा सब्र के साथ, हाँ टाइम के साथ आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको रिजेक्शन आएंगी. मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा था कि जब तक जॉब ना मिले तब तक अप्लाई करते रहें, एक जगह हो जाएगा. और कंपनीज को बदले चाहिए, जर्मनी बहुत ग्रो कर रहा है और ऑफ कोर्स जर्मन में जॉब है ही है. लेकिन द थिंग इज दैट आप अप्लाई एज मच एज पॉसिबल करें, लेकिन तलबा इफ यू एग्री अप्लाई करना, ऐसा अंधाधुन अप्लाई नहीं करना, आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है. कुछ टिप्स या आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि जॉब के लिए आफ्टर मास्टर्स अपनी प्रोफाइल किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं या क्या प्रोफाइल में चाहिए जो कि हिट करे कि हाँ हम मार्केट में जाके यू नो एलिजिबल हैं. यार मैं तो आप लोगों से टिप्स ली थी. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम लोग सीरियस होते नहीं बैठे हुए क्यों, हमारा सीन कुछ ऐसा था आफ्टर मास्टर्स विकास की सबसे पहले जॉब लगी थी और एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ विकास के बाद मेरी जॉब लगी थी और एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ तला भाई की जॉब लगी थी. तो विकास ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, फिर मैंने ट्राई किया, फिर मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने शेयर किया, फिर तलब ने, तो यू नो कंबाइन अप्रोच थी. तो बेशक आपने हमसे सीखा जरूर, लेकिन कुछ जो आपके माइंड में हो, जैसे कि मेरे माइंड अभी जो आता है स्पेशली अपने जिंग और लिंक्डइन के प्रोफाइल को मेंटेन रखना. और जहां तक मैंने लिया था उसमें मेंबरशिप लिया था मैंने, आपने भी लिया था मैं याद है, आपने भी लिया था, और हमने मेंबरशिप सिर्फ इस वजह से लिया था ताकि हम रिक्रूटर्स को अप्रोच कर सकें. एक और चीज, मोस्ट जितने स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं पाकिस्तान और इंडिया से, वो लेबर जॉब ज्यादा करते हैं पैसों के लिए, रहने के लिए, यहाँ पे लाइफ टफ होती है, पर वो ये भूल जाते हैं कि वो इंटर्नशिप्स नहीं करते. मुझे जॉब जल्दी इसलिए मिली थी क्योंकि मैंने इंटर्नशिप की थी और वहाँ से कनेक्शन बनते हैं, आपकी CV इम्प्रूव होती है, आपको पता चलता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है. और मेरा कलीग था जर्मन, उसने मेरी CV इम्प्रूव की थी और हम लंबी चौड़ी बातें लिखते हैं टू द पॉइंट हो. एचआर के पास 1 मिनट होता है, उसने मुझे ये पता था कि 30 सेकंड्स में उसको देखना होता है कि इसके पास स्कैन करना होता है और 30 सेकंड्स में उसको डिसीजन लेना होता है. सही है. और तो, इसके अंदर एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि जब आप जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो आपकी CV उसके रेलेवेंट होनी चाहिए. आपने फॉर एग्जांपल अगर आपकी IT प्रोग्रामिंग की पोजीशन आई है या फिर आपकी नेटवर्किंग की पोजीशन है या फिर आपकी जो है वो डेवलपमेंट की पोजीशन है, तो उसके अंदर जो जार्गन्स लिखे हुए हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो आपकी CV में होने चाहिए. क्योंकि कुछ कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर टूल यूज करती हैं, वो देखती हैं कि इसके अंदर ये कीवर्ड्स मौजूद हैं कि नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम एक ही CV को हर जगह पहुंचाते हैं, 1-to-many करते हैं, जो कि अवॉइड करना है. 1-to-1 आपको CV बनानी पड़ेगी, फिर आपके चांसेस ज्यादा होंगे. सो फोकस ऑन योर CV, prepare LinkedIn and Zing profile. तो यार मुझे तुम दोनों ये बताओ, ठीक है अब तो बता तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बताओ, ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, उनका क्या रोल है, ठीक है, और कौन से ऑनलाइन पोर्टल की आप लोगों
को हेल्प किया मार्केट में सही तरीके से अप्रोच होने के लिए, अप्रोच करने के लिए खास तौर पे, मतलब समझ गया मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ. ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मतलब थिंक स्टेबलिस्ट ऑन लाइक इस टाइप की जो वेबसाइट है वो कौन सी वेबसाइट ने आपको हेल्प किया. ठीक है, मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो स्टार्टअप बर्लिन में मुझे काफी तरह ऑप्शंस नजर आए थे. ठीक है, तो आपके उसमें किसका रोल ज्यादा था? मेरे हिसाब से तो स्टेपस्टोन और इंडीड सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर सर्च इंजन से, क्योंकि वो रेगुलर अपडेट होती रहती है और बहुत सारी कंपनीज उनके पास जाती रहती हैं. और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर मोस्टली जो छोटी कंपनीज होती हैं उनको आपका पता नहीं होता. आपकी यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं. जॉब ढूंढना कोई मसला नहीं है, पर लोग करते नहीं है. तो स्टेप स्टोन इन इंडिया. इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड करूँ कि हम जो लड़के होते हैं, जो सब कॉन्टेंट्स आए होते हैं, वो बेसिकली रिजर्व होते हैं. ठीक है, और जब इंसान रिजर्व होता है तो वो जो सोसाइटी या फिर आपके इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर नहीं जाते हैं. आपको कनेक्टिविटी चाहिए होती है, वन टू वन. You mean to say networking? Networking is very important. सबसे important है internship. नहीं, उससे पहले भी आप, for example, आपने LinkedIn profile बना ली और LinkedIn बना ली. आप जब तक उसको project नहीं करेंगे market के ऊपर आपको कोई जानेगा नहीं. तो उसके लिए सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप जाके लोगों से मिलें. आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो आपकी जॉब फेयर्स टाइप जॉब फेयर्स पे जाएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपनी सीवी करें, उसके बाद फिर आपकी सीवी सर्कुलेट होना शुरू होगी मार्केट. एग्जैक्टली. फिर आपको जानते वो बंदा याद है जो हम यूनिवर्सिटी कर रहे थे, उसको जॉब चाहिए थी. वो कंपनी टू कंपनी डोर टू डोर गया था अपनी सेवी फॉरवर्ड करने के लिए. और ठीक है, और उसको जॉब उसी बेस पे मिली थी. ठीक है, वो बंदा पर्सनली जाता था सीवीज ड्रॉप करने के लिए डोर टू डोर कंपनीज में. ठीक है, और अगर हम अपनी बात करें, किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं करते, तो मैं याद है एक दो जॉब फेयर्स में तो हम पर्सनली गए. हैनोवर में जॉब फेयर्स होते हैं, फ्रैंकफर्ट में हम लोग गए, हैमबर्ग में हम गए, और हम जाके अपनी सीवीज ड्रॉप करते थे. ठीक है, तो वो भी एक. लेकिन आपको मैं आपको एक आइडिया, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ काफी लोगों को, मुझे आइडिया वगैरह पता चल रहा है. एक लड़के ने क्या किया है, एक बड़ा अच्छा आइडिया है. उसने प्रिंटिंग प्रेस से अपना कॉन्टेक्ट किया और उसने अपना एक कार्ड बना लिया विदाउट जॉब. अपना सिर्फ लिख दिया मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. एक अच्छा आइडिया हमने आपको प्रोजेक्ट किया, मतलब आप अपने आपको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो. ठीक है, एक मैं अपनी कंपनी की तरफ से मार्केटिंग की टीम के साथ गया था, वहाँ पे मैं अपने एचआर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, और एक लड़की आई थी मेरे पास टुनिसिया की आई गेस, और वो एक कप लाई थी, और कप आके उसे मैंने सामने रख दिया. कप में उसकी तस्वीर थी और साइड पे उसका प्रोफाइल लिखा हुआ था. मतलब लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे होते हैं. उसने आगे कहा, हाय एसएन, आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब. ठीक है, आप यूनिक आइडिया देखें कि आप किस तरीके से हाईलाइट हो सकते हैं मार्केट में. ठीक है, एंड लास्टली द थिंग इज दैट अप्लाई एज मच एज पॉसिबल. हम एंड इस तरीके से करेंगे कि हमने कितनी कंपनीज में अप्लाई किया और हम मार्केट में, क्योंकि हमें हंसी आ रही है. ठीक है, मैं पागलों की तरह एक एक रात में 5-5, 10-10 कंपनीज में अप्लाई करता था, और मेरी मोटिवेशन ये होती थी अगर एक कंपनी से रिजेक्शन आ रहा है तो उसके गुस्से में खार में आप 10 कंपनी में अप्लाई करो, अंधाधुंध नहीं, अपनी प्रोफाइल मैच करके ऑब्वियसली. ठीक है, सो द थिंग इज अप्लाई एज मच एज पॉसिबल. कोई एक लास्ट में हिंट देना चाहिए, कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है. कवर लेटर आप एक कस्टमाइज्ड कवर लेटर बनाना, जनरलाइज्ड कवर लेटर नहीं बनाना. कस्टमाइज्ड कवर लेटर एंड सीवी. ठीक है, जो आप जिस पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं वो जो कीवर्ड्स हैं वो होने चाहिए, और सीवी सिर्फ एक पेज की हो. आपकी यहां पे पाकिस्तानी इतना नहीं गया कि आपने 4 पेजों की सीवी लिखी हुई, काम नहीं आता. अलावा जोड़ा एंड लास्ट skills, dedication, consistency, very important. Skills is very important. अगर आपके पास right skills है तो कोई आपको रोक नहीं सकता. आप जाके मार्केट में हिट करते हैं, whether it's IT or non-IT, किसी भी फील्ड में आपके पास स्किल्स है, आपको काम आता है, तो आप डायरेक्टली हिट कर सकते हो. इट्स नॉट दैट टफ. मोटिवेशन और डेडिकेशन, अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपको नहीं आता, यहाँ पे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे इंटर्नशिप मिल जाती है, स्टूडेंट जॉब मिल जाती है. मुझे समझ में नहीं आता क्यों इंडियंस और पाकिस्तानी लेबर जॉब ज्यादा करते हैं और पार्ट टाइम इज लाइक ही भी नहीं करते. दैट्स यू नो द कल्चर डिफरेंट, फिर वो तो एक अलग तरीके साइड पर चला जाता है. बट द एंड के जॉब लग जाती है, बट टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने रखा था जॉब के एग्जैक्टली 1 साल के बाद इनकी जॉब लगी, मेरी 6 महीने के बाद लगी, 5 महीने जॉब. तो आपको सबमिट करना है और परेशान नहीं होना, अप्लाई करते रहना करते रहना करते रहना.
रहता है और एक दिन आपकी बारी आ जाएगी और फिर आप इसी तरीके से मार्केट में घूम करके जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो बंद करते हैं, 2:30 बज गए, अभी जाकर सोना भी है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जो भी क्वेश्चन हो इनके हवाले से मैं इनसे कॉन्टेक्ट डायरेक्टली कर लूंगा, वो कॉमेंट में लिख के भेजें, आंसर वहीं पे हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ चाओ।